7-8 करोड़ के आसपास की पेमेंट है। तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के आसपास हमारे पेमेंट अटकी पड़ी है। विनोद शर्मा, मेरी 5.5 लाख की पेमेंट बकाया है। मेरी अराउंड 3 लाख के आसपास है। मेरी 3 लाख के लगभग पेमेंट बाकी है। मेरी पेमेंट 42,000 रुपए है। 33-34,000 रुपए है ना, वो पेमेंट मेरी अटकी हुई है। 2 साल लगभग हो गए। पिछले 1.5 साल से पेमेंट के लिए कभी 2 महीने 3 महीने, आज ये काम कर दो वो काम कर दो, इस तरीके से इन्होंने लारे लिपे लगा रखे हैं। सब जगह घूम चुके हैं, लेकिन हमारे को कोई मतलब संतुष्ट जवाब नहीं मिल रहा कहीं से भी कि आपकी पेमेंट कब होगी, कितने दिन में होगी, होगी नहीं होगी। कोई आश्वासन अच्छे से नहीं दिया जा रहा है। अभी कंपनी में कोई किसी के पास फ़ोन करो तो कह देते चलो आएगी आएगी आएगी, लेकिन वो कब आएगी ये किसी को नहीं पता है। दुनिया की मजबूरी देख रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी कौन देख रहा है? आज 1.5 साल से हम लोग रो रहे हैं सड़क पे, हम कर्जों में हम घूम रहे हैं। आज से 1.5 से 2 साल पहले टोल बंद कर दिए गए थे। किसान आंदोलन के मद्देनजर किसानों ने बड़ा आह्वान किया था पूरे देश भर में, खासकर हरियाणा और पंजाब में टोलों को बंद कर दिया गया था। जो स्टाफ वहां पर वर्किंग था या जिन वेंडर्स ने उस पर काम किया था, उनकी सैलरी, खास तौर से मकड़ोली टोल की बात करूं क्योंकि इस वक्त हम वहीं पर मौजूद हैं, उनकी सैलरी और पेमेंट्स अभी तक बकाया हैं। इस वक्त उनमें काफ़ी रोष है। वेंडर्स हमारे साथ अलग अलग जिन्होंने काम किया है, चाहे हम बात करें उन साइन बोर्ड्स की जो अभी आपको दिख रहे हैं, डायरेक्शन बोर्ड्स कह सकते हैं, जिन्होंने बनाए हैं या जिन्होंने ये सफ़ेद पट्टी खींची है, ऐसे तमाम काम जो टोल प्लाजा पर किए जाते हैं उनकी पेमेंट्स खास तौर पर अभी तक बकाया है जो नहीं मिली है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि मिश्रा है जी। रवि आर्ट्स का ओनर हूँ और मेरा शाइन बोर्ड का काम है, फ्लेक्स बोर्ड का। तो पिछले 1.5 साल से पेमेंट के लिए कभी 2 महीने 3 महीने, आज ये काम कर दो वो काम कर दो, इस तरीके से इन्होंने लारे लिपे लगा रखे हैं। फ़ोन करो फ़ोन नहीं उठाना होता है, कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिलता है। तो इस पे सिर्फ और सिर्फ हमें हमने कई बार संपर्क भी किया, कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं। हम पिछले महीने 20 तारीख को आए तो भी कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं। फिर हम गए NHAI के दफ्तर दिल्ली, तो उस पे उन्होंने ये कहा कि आप लेटर लिख के दे दीजिए। हमने लेटर लिख के दे दिया, लेकिन फिर भी कोई अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। अभी जैसे अभी आप बीच सड़क पर खड़े हैं, हाईवे पर टोल प्लाजा है, पीछे से गाड़ियां आ रही हैं, तो क्या आप इनको जाने नहीं देंगे? देखिए, हमें किसी गाड़ियों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ये अपने काम से जा रहे हैं, लेकिन हमें भी कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिल रहा है। लेबर का काम, लेबर हमारे भी रोड पे घूम रहे हैं, हम किस प्रकार से काम करें उनका? तो अभी जैसे ये वेट कर रहे हैं पीछे अगर देखा जाए तो, क्या इनको जाने नहीं दिया जाएगा? देखिए ऐसा है जी, हमें कोई इनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, जाने की पूरी अनुमति है। देखिए इनको जाने दिया है, इससे पहले जो है इन्होंने रोक ली थी गाड़ी जी। दे रहे हैं, ऐसे हमें कोई इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, ये लोग अपने हैं, सभी भाई अपने हैं, लेकिन हमारी कौन मजबूरी है? हम दुनिया की मजबूरी देख रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी कौन देख रहा है? आज 1.5 साल से हम लोग रो रहे हैं सड़क पे, हम कर्जों में हम घूम रहे हैं, अपने पैसे लगा के हमने काम किए। अच्छा। लेकिन आज कोई भी संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिल रहा है। टोल CGM साहब के पास फोन कर रहे हैं, वो नहीं फोन उठाते हैं। कौन है CGM? यहाँ पे कर्नल वीरेंद्र सांगवान जी हैं, वीरेंद्र जी है ना, वीरेंद्र सांगवान जी हैं, और खुद माननीय अरविंद शर्मा जी ने, सांसद जी ने भी फोन किया, लेकिन उन कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला है। तो अभी इधर आ जाइए, तो अभी आपकी कितनी एक पेमेंट बकाया है? आपकी मेरी 3 लाख के लगभग पेमेंट बाकी है। अच्छा, ये 1.5 साल की? 1.5 साल से। सर आपका नाम क्या है? विनोद शर्मा, मेरी 5.5 लाख की पेमेंट बकाया है, जिसने सड़क पे थोड़े थोड़े कड्डे भरे हुए, पैच लगा रखे, तार खोल के पैचेस लगाए हैं, 1.5 साल हो गया। लेबर हमारे पीछे पीछे घूम रही है, 300 आदमी पीछे पीछे घूम रहे हैं। हमारे आपकी कितनी पेमेंट बकाया है? आपकी कितनी पेमेंट? 5.5 लाख के लगभग पेमेंट बकाया है। आपकी 5.5 लाख के लगभग? 5.5 लाख के करीब। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम धर्मवीर भारद्वाज जी। आपने क्या काम किया था टोल पर? प्रिंटिंग का, स्टेशनरी का काम कर रखा है इनको, और मेरी धवज प्रिंटिंग प्रेस है। मैंने 1.5 साल से इनके चक्कर काटता रहा जी। अच्छा। और अभी तक मेरी पेमेंट नहीं हुई है। आपकी कितनी एक पेमेंट? मेरी पेमेंट 42,000 रुपए है जी। अच्छा, तो क्या स्टेशनरी प्रिंटिंग में क्या कुछ आता है आप में, क्या कुछ काम कर रहे हैं? आई कार्ड वगैरह है इनकी, जो पेपर स्टेशनरी होती है जी, वो सारी छापता हूँ मैं। अच्छा। हाँ जी, तो मेरे को आश्वासन देते रहे ये, लेकिन पेमेंट नहीं कर रहे जी। अच्छा। ना कोई फोन उठा रहा जी यहाँ पे। अच्छा, तो सर आपके साथ और कितने लोग हैं ऐसे जो इससे पीड़ित हैं?
ऐसे ऐसे कम से कम जी 15-20 वेंडर हैं जिनकी पेमेंटें यहाँ अटकी हुई हैं। मेरा एल्युमिनियम फैब्रिकेशन का काम है, एकता एल्युमिनियम फैब्रिकेशन का ऑनर हूँ। दो साल पहले तक की पेमेंट है मेरी, मेरी तो 33-34 हज़ार रुपये हैं, है ना, वो पेमेंट मेरी अटकी हुई है, दो साल लगभग हो गए। हमारी तो थोड़ी बाकी वो हैं जिनके 20-20 लाख रुपये भी हैं इनमें, तो वो भी आए हुए हैं। हाँ आए हुए हैं, ये रहे जी, जी बताइए। बहुत ज़्यादा पेमेंट हमारी मैम, पिछले लास्ट पेमेंट 20 सितंबर 2020 में हुई थी, तो उसके बाद की पेमेंट हमारी अभी तक हुई नहीं है। तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के आसपास हमारी पेमेंट अटकी पड़ी है। तकरीबन 1.5 करोड़ की पेमेंट इनकी बकाया है। सर नाम क्या है आपका? मेरा नाम संजीत मैम। ऐसा क्या काम किया था आपने? मेरा मैम ये ट्रिमिंग का और क्लीनिंग का कॉन्ट्रैक्ट था हमारे पास। अच्छा, हाँ जी, ट्रिमिंग का और क्लीनिंग का, मतलब टोल की क्लीनिंग वगैरह। टोल की क्लीनिंग और ये जितनी भी ट्रिमिंग है बीच में पेड़ पौधों की कटाई। अच्छा, तो वो सारा आपका कितने एक दायरे में तकरीबन? पूरी स्ट्रेच जितनी 80 किलोमीटर की, जो इनकी पूरा स्ट्रेच है हमारे पास था। अच्छा, हाँ जी, तो उसके बाद आपने बात वगैरह की है किसी से? हम सब जगह घूम चुके हैं, लेकिन हमारे को कोई मतलब संतुष्ट जवाब नहीं मिल रहा कहीं से भी कि आपकी पेमेंट कब होगी, कितने दिन में होगी, होगी नहीं होगी, मतलब कोई संतुष्टजनक जवाब नहीं मिल रहा हमारे को। तो वैसे आप मिले किससे हैं? मैम हम तो सब जगह, हम तो हेड ऑफिस भी हो चुके हैं यहाँ पे, टोल पे भी, दिल्ली पी डी ऑफिस में भी जा चुके हैं, लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिला, संतुष्ट जनाब नहीं मिला देगी। तो कहते क्या हैं आपको? बस ये बोलते हैं कि आपकी पेमेंट हो जाएगी, ये नहीं बोल रहे कि कब तक होगी, बस यही बात है। तो ये जो कंपनी थी, अब तो जैसे इनका टेंडर जो है NHAI ने किसी और को दे दिया, तो कंपनी का नाम क्या था जिसके अंडर मतलब आपने कार्य किया? ये सद्भाव कंपनी थी, तो उसके भी मैनेजर वगैरह से बात की है? से बात हो चुकी है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला कहीं से भी। अब ये बदतमीजी कर रहे हैं जी, बताइए। हम जैसे यहाँ पर रोड रास्ता देने के बावजूद भी ये भाई साहब बदतमीजी पर उतर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं रोड खोल दो, और रोड हमने, जबकि आप खुद देख रहे हैं, कैमरा भी देख रहा है कि भाई यहाँ पर हमने किसी को रोका नहीं है, ये बदतमीजी पर उतर रहे हैं, कह रहे हैं हम यहाँ पर बिल्कुल खड़े मत हो। अब बताइए, हम अपनी पेमेंट के लिए भी इनसे बदतमीजी कर रहे हैं। ये भाई साहब एक बार दिखाएं, ये भाई साहब मेरी वीडियो मत पढ़वा, मैं लगे हूँ, ये देखो जी मेरी वीडियो, ये, नहीं ये देखो मैं गलत कर रहा नहीं हूँ, मैंने कही है लाइन खोल दो, ये वाली उस वो कर लो, तो जैसे देखा जा सकता है काफी माहौल जो है गंभीर हो गया। सर आपकी भी पेमेंट्स बकाए हैं जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मेहताब खान है जी, मेहताब इंजीनियरिंग से हूँ मैं। और मैंने मैडम यहाँ पे काम किया है रोड मेंटेनेंस का, मैकेनिकल, जो एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, ग्रिल्स वगैरह जैसे बैरिकेड्स वगैरह बनाए हैं, लगभग 1.5 साल हो गया पेमेंट नहीं आई है। मेरे फादर साहब यहाँ पे काम करते थे, उन्होंने एक वर्क ऑर्डर पास कराया था, बट उनको हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई, फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली। मैंने कहा चलो काम तो फाइनल कराना ही है, मैंने काम फाइनल करा दिया, लेकिन पिछले 1.5 साल से कोई आश्वासन अच्छे से नहीं दिया जा रहा है। अभी कंपनी में कोई किसी के पास फ़ोन करो तो कह देते हैं चलो आएगी आएगी आएगी, लेकिन वो कब आएगी ये किसी को नहीं पता है। हर महीने ये बोल दिया जाता है कि इस मंथ के लास्ट में देखेंगे। अभी सब के सब एम्प्लॉयज़ जो यहाँ पे है वो कह रहे हैं कि हमारी खुद की पेमेंट नहीं आई, लेकिन उनकी खुद की पेमेंट पिछले 5-6 महीने से नहीं आई ना, हमारी तो 1.5 साल से नहीं आ रही है पेमेंट, तो कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इस चीज़ की कि हाँ एक डेट कोई फिक्स कर दे कि हाँ चलो उस पे आ जाएगी, तो हमें भी ये हो जाएगा चलो आज नहीं कल 2 महीने में 6 महीने में आएगी कभी ना कभी, लेकिन कोई कुछ भी जवाब नहीं दे रहा है। अभी किसी से मिलो, अंदर मिलने के लिए आए, अच्छे से बात करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको खुद नहीं पता है कि कब आएगी पेमेंट। तो आप जैसे बताया जा रहा है कि सद्भाव कंपनी जो थी पहले देख रही थी, कैमरामैन को कहूँगी वहाँ पर दिखा दे, टोल वे प्राइवेट लिमिटेड के साथ आपको एक लोगो दिख रहा होगा NHAI के साथ सद्भाव कंपनी का, जिसने 2014 में जो है ये टेंडर लिया था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, और ये जो सड़कें बनाने का निर्माण कार्य था वो सभी इन वेंडर्स द्वारा करवाया गया था, मतलब जिस जिसका काम जो जो था इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया था। सर आपकी कितनी पेमेंट एक बकाया है? मेरी अराउंड 3 लाख के आसपास है। 1.5 साल से जो अटकी? 1.5 साल से, 1.5 साल हो गया उसको, 2020 में अक्टूबर के आसपास मैंने काम किया था यहाँ पे, तो तब से कोई चांस नहीं है पेमेंट के। अभी भी कह रहे हैं कि देखते हैं चलो आएगी, 1 महीने में आ जाए 2 महीने में आ जाए, लेकिन लग नहीं रहा है कि हाँ कोई चांसेस है, क्योंकि कंपनी का कोई स्टाफ की खुद पेमेंट नहीं आ रही यहाँ पे, तो कंपनी को थोड़ा सा जवाब तो देना चाहिए ना। अभी कोई इस रिटर्न में कोई लिख के नहीं दे रहा है कि हाँ इस डेट में आपकी पेमेंट आ जाएगी, तो बस हम तो यही चाहते हैं कि हमें कोई एक डेट फिक्स कर दी जाए कि हाँ उस डेट में आपकी पेमेंट हो जाए। तो अंदाजा कितनी एक पेमेंट होगी जो कंपनी ने आपको देनी है टोटल? अभी वेंडर्स की
टोटल 7-8 करोड़ के आसपास होगी। 7-8 करोड़ दो साल से पेमेंट बकाया है। 7-8 करोड़ के आसपास की पेमेंट है, सभी टोटल की, सभी वेंडर्स की और सैलरी वगैरह मिला के। बताने के बाद दोबारा से, 7-8 करोड़ के आसपास की पेमेंट है जी बकाया, जो हम वेंडर्स भी हैं और सैलरी जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी, जो हमें पता चला है। और अब यही है ना, तो यहाँ हमें किसी की संतुष्टिजनक जवाब मिल रहा है, सीजीएम साहब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। लेकिन अब यही हमने अभी निर्णय लिया है कि बिना सीजीएम साहब से मिले हुए हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और अब ये हम लोग यहीं पर बैठ रहे हैं, हम लोग यहीं बैठ रहे हैं, बैठ जाओ जी। देखिए बड़ा इन्होंने फैसला लिया है, आह्वान किया है कि अपनी पेमेंट लिए बिना यहाँ से ये नहीं उठेंगे, और बीचों बीच जो है टोल के बैठ गए हैं। जैसे कि आपको देखा जा सकता है कि अभी अगर कोई गाड़ी आती है तो उनको नहीं जाने दिया जाएगा, जिस तरीके की बात जो है इनके द्वारा की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि ऑफिस जो है सद्भाव कंपनी का वो उस तरफ है, रोहतक पानीपत टोल वे प्राइवेट लिमिटेड, 4 जो प्रोजेक्ट्स थे मेनली सद्भाव कंपनी ने लिए हुए थे जिस तरीके की जानकारी हमें मिली है। और उन प्रोजेक्ट्स के मद्देनज़र आपको बता दें कि वो 4 प्रोजेक्ट्स क्या थे। एक तो पानीपत जाते वक्त इसी रास्ते में 2 टोल आते हैं, एक टोल पर इस वक्त हम मौजूद हैं और इससे एक अगला टोल है, और जो बाकी 2 प्रोजेक्ट्स हैं वो हिसार की तरफ जाते वक्त 2 टोल आते हैं, एक मदीना टोल हो गया और दूसरा मैयर टोल प्लाजा जब हिसार में एंट्री हो जाती है। इसी के साथ आपको बता दें कि 4 जो टोल प्लाजा हैं वो सद्भाव कंपनी ने सरेंडर कर दिए हैं NHAI को, और NHAI ने नया एक टेंडर पास किया था कि अब जो है 3 महीने के लिए ये 4 टोल प्लाजा, जिस तरीके से बात की गई है, बताया गया हमें, जिस तरीके की हमें जानकारी भी मिली है कि ये 4 टोल प्लाजा 3 महीने के लिए आगामी टेंडर में दिए गए हैं। अभी फ़िलहाल ये शिवा कंपनी को दिए गए हैं, और आगे क्या रहता है वो आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आगे की बातचीत जो है कुल मिलाकर सद्भाव कंपनी के जो CGM जिस तरीके से बार बार ये बता रहे हैं, वो जैसे सूचना देते हैं वो सारी बातें हम आपको फिर बताने वाले हैं। हमारे साथ अब जो जिन्होंने मकड़ोली टोल का पूरा कार्य लिया है, शिवा कंपनी के मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये लोग अपनी गुहार लगाकर कुल मिलाकर आए हैं और बार बार आते रहे हैं, तो आपकी कंपनी की ओर से क्या बयान जारी किया जाएगा? ये मैम सद्भावना कंपनी के मैं लोअर थे, काम करते थे, कंपनी ने इनको पैसा नहीं दिया, कंपनी यहाँ से चली गई है, इसके लिए ये आई हुई है यहाँ। हम तो यही कहेंगे जी इनका पैसा दे दिया जाए, ताकि कोई और इशू ना उठे, नहीं कोई बात उठे। तो वैसे बार बार आपके पास आते हैं तो लोग समझते हैं कि आप ही ने ही पैसा नहीं दिया होगा, ऐसा भी होता है? ऐसा समझते हैं, अगर कंपनी वालों ने पैसा नहीं दिया, टोल वालों ने, पब्लिक समझते हैं ऐसा ही है। तो यही है ये सद्भावना से यही अपील है कि इनको पैसा जल्द से जल्द दे दिया जाए, इनका पैसा नहीं रोका जाए, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई गलत फहमी न फैले। तो आपसे वैसे बात वगैरह हुई है सद्भावना कंपनी? नहीं, हमारी मैम कोई बात नहीं, हमसे कोई मिला ही नहीं सद्भावना वाला। हाँ, आज कल कभी कोई आया हो? नहीं, हमसे कोई नहीं आया, तो नहीं कोई सीजन, लेकिन हमसे मिला नहीं हो, हमसे बात नहीं हुई। तो अब जैसे ये बार बार आ रहे हैं गुहार लगाने, आपकी ओर से कोई कदम रहने वाला है इनके लिए? हमारा तो कदम यही है मैम, सद्भावना वाले के साथ में इनका पैसा दे दिया जाए, हम दिन के साथ में ही खड़े हैं, भी इनका पैसा दो, रुका हुआ जिस कर्मचारियों का, जिनका ठेकेदारों का, एम्प्लॉयमेंट का, जिनका पैसा रुका, पैसा दे दिया जाए, ताकि हमें डिस्टर्ब नहीं करें, ना हम डिस्टर्ब हुए हैं जी। सर, अगर जैसे आप कितनी बार अब तक CGM को, जिसकी आप बार बार नाम ले रहे हैं, मिलना चाहते थे लेकिन वो मिले नहीं थे, तो अब अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हमारा यही है जी, हमने फिर इनको एक बार जाएंगे CGM के साहब के पास, और उसके बाद यदि कोई कार्रवाई होती है, ठीक है ना, हमें कोर्ट में भी जाना पड़ सकता है। अच्छा, तो सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो यही कि शांतिप्रिय ढंग से अगर बात बन जाती है तो वो सबसे A1 क्लास बेस्ट है, लेकिन हम यही चाहते हैं भाई शांति से, हमें एक कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव कंपनी का कोई भी आए और हमें संतुष्टिजनक जवाब तो दे कि भाई आपकी इस तारीख तक पेमेंट हो जाएगी, इस तारीख तक आपका काम हो जाएगा, हम आप हमें परेशान ना कीजिए, हम खुद परेशान हो रहे हैं तो हमें इनको भी परेशान करना पड़ रहा है। आज कम से कम 1.5 साल से हमें सिर्फ और सिर्फ एक यही जवाब मिल रहा है, सर आप 2 महीने में आपकी पेमेंट आ जाएगी, 15 से 20 तारीख के बीच में आ जाएगी। अभी पीछे हमें एक जवाब मिला कि 15 जनवरी से और 25 जनवरी के बीच में पेमेंट हो जाएगी, आज आपकी 25 तारीख हो गई, लेकिन 25 तारीख तक अभी तक कोई हमारे अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया है।
लेकिन कोई भी व्यक्ति जो उससे हम बात कर रहे हैं कोई फ़ोन नहीं उठाता। NHI के दफ्तर हम गए तो वहाँ कोई जवाब नहीं मिलता। NHI के हम गए वहाँ पर लेटर दे के आए, उन्होंने भी कोई अभी तक जवाब नहीं दिया। पीछे मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन पे ये रिप्लाई आ रहा है, जी हम क्या करें और कंपनी ने ही हमारे ऊपर केस कर दिया है। अब वो किस चीज़ का केस कर दिया वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें कंपनी ने आपके ऊपर ही केस कर दिया, NHI के ऊपर। अच्छा, NHI के ऊपर जी। तो कुल मिला के हम यही चाह रहे हैं कि कंपनी से हम सिर्फ और सिर्फ अपने जो हमारे द्वारा किया गया काम है जी। जिस भी भाई का पैसा, एक एक रुपया, एम्प्लॉइज का पैसा, सभी का पैसा, एक एक रुपया उनके अकाउंट में पहुंचाया जाए और जल्दी पहुंचाएं, क्योंकि हम भी परेशान हैं। और अगर ये काम जल्दी नहीं होता है तो आगे जो भी हमारी रणनीति बनेगी कोर्ट के जरिए या फिर टोल बंद करके या कुछ भी होगा वो हम सहमति करके हम आप लोग मीडिया बंधुओं के साथ बता देंगे, साझा करेंगे। तो अभी जैसे आप कॉल कर रहे हैं वो कॉल नहीं उठा रहे, जैसे आपने बताया है, तो इससे पहले भी आपकी कोई बात भी नहीं हुई है 1.5 साल में? मैं आपको बता दूं CGM साहब, मेरा तो क्या, खुद माननीय सांसद महोदय का भी फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। वो इतने MP साहब से भी बड़े हो लिए CGM साहब, उन्होंने MP साहब ने बकायदा फ़ोन किया। नाम क्या है उनका? कर्नल वीरेंद्र शेखावत जी, वो उनको फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं वो। मेरे द्वारा किया गया और भाइयों के द्वारा किया गया और भी अनेक भाइयों लोगों के द्वारा किया गया फ़ोन, लेकिन कोई भी जवाब उनके, कोई फ़ोन उठा के उन्होंने कोई रिसीविंग नहीं करी, भाई आप लोगों की पेमेंट आ जाएगी, ये है वो है, कोई बात नहीं करी। अरे हमारा तो छोड़िए, हम MP साहब से मिलने गए, MP साहब मिले भी और उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने फ़ोन किया, एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। बकायदा उन्होंने मैसेज किया, बकायदा उन्होंने मैसेज किया कि MP रोहतक बात करना चाह रहे हैं। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक मेरे हिसाब से कोई फ़ोन नहीं आया उनकी तरफ से। कब की बात होगी ये? मे बी 21 तारीख की। अच्छा। हाँ जी, 21 तारीख को फ़ोन किया गया था MP साहब के द्वारा। देखा जा सकता है कि इन्होंने जैसे बताया कि इनका कॉल नहीं उठा रहे हैं, ये बात जानने के लिए हमने खुद नंबर लिया और हमने खुद भी कॉल करने का प्रयास किया उनको, तो दो बार मैं भी खुद अपने पर्सनल नंबर से कॉल कर चुकी हूँ उनको, उन्होंने मेरा भी कॉल नहीं उठाया है। हालांकि अगर उनका कोई भी बयान उनकी तरफ से आता है तो वो हम ज़रूर चलाएँगे। अब जो भी आगे रहने वाला है वो आपको साथ के साथ दिखाते रहेंगे। कैमरामैन हितेश के साथ मैं रिंकी बत्रा, नमस्कार।